नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष कुमार और आप हैं हमारे YouTube चैनल ग्रोथ एजुकेशन पॉइंट पे। दोस्तों आज हम पेंटिंग यानी कि चित्रकला के क्वेश्चन को देखेंगे कि इसमें क्या क्वेश्चन पूछ रहा है 2019-20 TMA में। दोस्तों ये TMA आपका इस साल भी जमा होगा, जो विद्यार्थी अप्रैल में एग्ज़ाम देगा वो इसको 31 जनवरी से पहले पहले जमा करेगा अपने स्टडी सेंटर पे, और यही असाइनमेंट आपका अक्टूबर में जो एग्ज़ाम होगा 2020 में, उस एग्ज़ाम के लिए यही असाइनमेंट जमा होगा, जो कि आपको 31 जुलाई से पहले जमा करना होगा। तो विद्यार्थी ध्यान से देख लें क्वेश्चन कौन कौन सा है इसमें, ये क्वेश्चन आपको करना है और 31 जनवरी से पहले अपने स्टडी सेंटर पे जमा करना है। ध्यान रहे कि अगर स्टडी सेंटर वाले असाइनमेंट नहीं लेते हैं, जमा नहीं लेते हैं, या फिर आपका स्टडी सेंटर बंद हो गया हो, तो इस केसेस में आपको अपना असाइनमेंट रीजनल सेंटर कोरियर के द्वारा भेजना होगा या फिर आप खुद जाके जमा कर दीजिए। यह आपको 31 जनवरी से पहले पहले करना होगा, इसीलिए आप कम से कम 15 या 20 तक अपने स्टडी सेंटर में जाके देख लें 20 जनवरी तक कि असाइनमेंट जमा हो रहा है, मेरा जमा होगा कि नहीं होगा, या हमको रीजनल सेंटर कोरियर करना होगा, पोस्ट करना होगा, इन सब की जानकारी आपको 15 से 20 तारीख के बीच में कर लेना चाहिए। क्योंकि अगर आप लास्ट डेट को जाते हैं असाइनमेंट जमा करने और आपको पता चले कि यह स्टडी सेंटर बंद है, तो फिर आपको TMA का नंबर मिलना मुश्किल हो जाएगा और एक दो दिन में आपका पोस्ट रीजनल सेंटर पहुंच नहीं पाएगा। इसीलिए आप समय रहते पहले से ही आप पता कर लीजिए और आराम से आप पोस्ट कर दीजिए अपना रीजनल सेंटर, आपका TMA वहाँ पे जमा हो जाएगा और आपका जो नंबर है वो आपको वहीं पे लगा दिया जाएगा। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन इसमें, इसमें भी 6 क्वेश्चन दिया हुआ है, सबके सामने नंबर दिया हुआ है। इसमें पेंटिंग में बहुत ही इजी है पेंटिंग बनाना, इसमें ज़्यादातर पार्ट नंबर 6 से लिया गया है क्वेश्चन। अगर विद्यार्थी पार्ट नंबर 6 को ध्यान से पढ़ेंगे, 2 बार 3 बार 4 बार पढ़ेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, उसका आंसर क्या होना चाहिए। जब आप लगातार 2-3 बार पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस टाइप का क्वेश्चन है और किस टाइप से आंसर देना है। तो आपको लगभग में पार्ट नंबर 6 से करीब आपके 4 क्वेश्चन बन जाएंगे, और 6ठा क्वेश्चन जो है ये प्रोजेक्ट वर्क है। अगर आप पेंटिंग पहला वाला क्वेश्चन करेंगे तो पेंटिंग व चित्रकारी में प्रयोग में आने वाले विभिन्न संसाधनों और सामग्रियों के बारे में लिखिए। इसमें आपको लिखना है कि पेंटिंग और चित्रकारी यानी चित्र बनाने में क्या क्या सामान जरूरत होता है, उन सब चीज़ों के बारे में लिखना है। जैसे ब्रश हो गया, कलर हो गया और वगैरह वगैरह, शीट वगैरह, ये सब आपको लिखना होगा। और दूसरा नंबर पे है मानव निर्मित और प्राकृतिक सामग्री में क्या अंतर है, इसमें अंतर आपको दिखाना है कि मानव निर्मित क्या है और प्राकृतिक सामग्री क्या है। मानव निर्मित सामग्री वो होता है जो मानव द्वारा तैयार किया जाता है, और प्राकृतिक जो प्रकृति द्वारा तैयार किया जाता है। इसमें से दो दो बनाना है, वो आपको दो दो उदाहरण देना है। जैसे कि मान लो मानव निर्मित में आपका हो गया कोई भी सामान, जैसे साइकिल हो गया, मोटरसाइकिल हो गया, ये सब मानव निर्मित है। और प्राकृतिक जैसे कि कबूतर हो गया, कौवा हो गया, मेढक हो गया, जितने भी जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे, ये सब प्राकृतिक द्वारा होता है। तो ये रहा आपका 6 क्वेश्चन, जो कि बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा गया है, आप आराम से बना सकते हैं। फिर भी अगर कोई दिक्कत हो असाइनमेंट बनाने में तो मैं आपको नंबर दे रहा हूँ अपना,
इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपकी पूरी सहायता करेंगे। नंबर आप नोट कर लीजिए, मेरा नंबर है 9584893 91। ये व्हाट्सएप पे भी है, आप व्हाट्सएप पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। और दोस्तों एक चीज़ का ध्यान रखना है हमेशा, कि ये चीज़ नोट कर लेना है आप, कि जो हम असाइनमेंट तैयार कर रहे हैं वो सेशन 2019 और 20 का है या नहीं है, सब पेज पे दिया गया है। इस साल के असाइनमेंट के क्वेश्चन जो है वो सब पेज पे दिया गया है, हर पेज पे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो मैं बना रहा हूँ वो 2019 और 20 का है या नहीं है, इसका विशेष ध्यान रखना है। धन्यवाद दोस्तों।